तो फाइनली दोस्तों वो दिन आ ही गया जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला है, यानी कि आज के दिन 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 चांद के सरफेस पे उतरेगा और वहाँ पे स्टडी करेगा। चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 जो कि हमारे इसरो के द्वारा भेजा गया स्पेस क्राफ्ट है वो वहाँ पर उतर के करेगा क्या और वो कितने बजे तक उतर जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। सो जैसा कि इसरो के कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि लगभग 6 बजे यानी कि एग्जैक्ट वो टाइम बताए हैं कि 6:04 पे वो लैंडिंग कर जाने वाला है चांद की सतह पर, और लैंडिंग होने के बाद कुछ देर तक वो परिस्थितियों को देखेगा और परिस्थितियों को देखने के बाद उसके अंदर से रोवर निकलेगा और वही रोवर पूरे चांद के सतह पर एक्सप्लोर करेगा और वहाँ की स्टडी को सबसे पहले लैंडर के पास भेजेगा और फिर लैंडर इसरो के पास भेजेगा। रोवर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसरो, इसके वजह से वो सबसे पहले लैंडर को भेजेगा और देन आफ्टर लैंडर इसरो को भेजेगा। ये करने के बाद हमारा इंडिया सबसे पहला वो कंट्री बन जाएगा जो कि चांद के साउथ पोल पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे अपना स्पेस क्राफ्ट उतारा हो, और चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगा जो कि चांद के सतह पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारा हो। वेल, मैं तो यही कामना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमें ये खुशखबरी मिले। और अब इसके आगे की स्टडी ये है कि जब रोवर उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा तो वो चांद की सतह पर इधर से उधर रोटेट करेगा और वो चांद की सतह के ऊपर स्टडी करेगा, जैसे कि क्या वहाँ पे पानी है या नहीं, वहाँ के मटेरियल्स कैसे हैं, वहाँ के रॉकी सब्सटेंस कैसे हैं, एवरीथिंग अबाउट चांद, जो भी चीज़ हमें चांद के ऊपर देखने को मिलता है वो सारे मटेरियल्स को वो स्टडी करके बताएगा। उसके अंदर बेसिकली एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि उसके चांद के सतह के ऊपर रहकर उसकी सारी जानकारियाँ को भेजने वाला है। वेल, अभी से ही चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शाम को जब वो लैंडिंग करेगा तो भी पहला अपडेट मेरे से ही आपको मिलने वाली है।